हे गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग मच एक्टिव ऑन यूट्यूब दीज डेज। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर लिखा भी था कि क्या रीजंस थे। गाइस, दीज लास्ट 3 मंथ्स हैव बीन रियली चैलेंजिंग फॉर मी फिजिकली एंड मेंटली। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड फॉरगिव मी। और अगर आप आज ही ये वीडियो देख रहे हैं तो अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। गाइस, मेरे लिए दशहरा केवल माइथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। इट सिंबलाइजेस ब्रेकिंग आवर बैड हैबिट्स एंड इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज अ पर्सन। सो अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं द एड्रेस का सेकंड पार्ट। गाइज, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में ये चैप्टर बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के लिए उसको फर्स्ट पार्ट ही रहने दिया। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट रूल्स फॉर शाउट आउट। गाइज, अगर आपको मेरी नेक्स्ट इंग्लिश वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आप भी मिनको की तरह किसी वॉर सिचुएशन में फंसे हों तो आप अपने साथ अपनी क्या चीज़ साथ लेकर जाएंगे। एज़ फॉर मी, मैं अपनी पर्सनल डायरी लियान को और मेरे पापा के फ़ोन को लेकर जाना चाहूँगी बिकॉज इनसे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। नाउ गेटिंग बैक टू द चैप्टर, आइए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिसेस एस ने अपनी बेटी मार्गा मिनको से कहा था कि नंबर 46 एड्रेस याद रखना ताकि वॉर के बाद वो अपनी चीज़ों को वापस क्लेम करने आ सके। अब मिनको ने ये एड्रेस तो याद रखा था लेकिन वो यहाँ आने से बहुत कतराई थी। आफ्टर द लिबरेशन यानी कि जब उन्हें जर्मन से आज़ादी मिल गई थी, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये सारा सामान जो है इसे पड़ा रहने दो। उनको थोड़ा डर भी लग रहा था इससे। क्यों डर लग रहा था उन्हें? बिकॉज दीज थिंग्स वर एसोसिएटेड विद मेमरीज ऑफ हर फैमिली, ऑफ हर डियर मदर, और इसीलिए वो इनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहती थी, यानी इनसे मिलना नहीं चाहती थी, इनसे सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उनकी माँ नहीं रही थी और ये सारी चीज़ें उन्हें अपनी माँ की याद दिलाएंगी। अब क्योंकि इन चीज़ों को कबर्ड्स और बॉक्सेस में छिपा कर रखा हुआ था तो मिनको को ये लगता है कि जस्ट बिकॉज दीज वर थिंग्स, यानी कि बस इसलिए क्योंकि ये चीज़ें थीं, इनको इतने समय से साइड में पटका हुआ था। अगर इनकी फीलिंग्स होती तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती। अब आप लोग तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जब वॉर की सिचुएशन एक कंट्री में होती है तो सिविलियंस की हालत कितनी ख़राब हो जाती है, लोग कितने इम्पोवरिश्ड हो जाते हैं। तो यहाँ मार्गा मिनको बताती हैं कि किस तरह से धीरे धीरे सिचुएशंस वॉर के बाद चेंज हो रही थी। अब ब्रेड एक लाइटर कलर में, दैट इज़ अब उन्हें बेटर खाना मिलने लगा था। अब उनके पास एक ऐसा बिस्तर था जिसके अंदर वो अनथ्रिएटेड यानी कि बिना डरे सो सकती थी। एक ऐसा कमरा था जिससे कि उन्हें हमले का और जो गोलियां बरसती रहती थी उसका व्यू ना दिखे, एक शांत व्यू दिखता था। अब एक दिन उन्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि वो सारी चीज़ें अब कैसी हैं, किस मतलब वहीं एड्रेस पे होंगी, और इसीलिए वो उन्हें अब देखना चाहती थी, वापस क्लेम भी करना चाहती थी। अब उनकी पहली जो विज़िट थी मिसेस डॉर्लिंग के घर, वो तो वेन में गई, यानी वो बेकार ही गई। अब उन्होंने सोचा कि वो एक और बार ट्राई करती हैं। इस बार मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा नहीं खोला, पर उनकी बेटी जो 15 साल की थी उसने दरवाज़ा खोला। मिनको के पूछने पर उसने बताया कि उनकी मदर जो है वो एक काम कर रही हैं, शी इज़ डूइंग एन एरेंड, यानी कि वो कुछ काम में लगी हुई हैं। तो मिनको ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूँगी। अब जब वो दोनों एक पैसेज से गुजरे तो मिनको ने अपना पुराना आयरन हैनुका कैंडल होल्डर देखा जो कि एक मिरर के साथ में टंगा हुआ था। गाइस, जैसे कि हमारे लिए दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, ऐसे ही ज्यूस के लिए हैनुका फेस्टिवल होता है। अब वो बताती हैं उस कैंडल होल्डर के बारे में कि उन्होंने कभी उसे यूज़ नहीं किया बिकॉज इट वॉज़ वेरी कम्बरसम, यानी कि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी था एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल कैंडल स्टिक। तो अब वो लड़की उन्हें लिविंग रूम में ले गई और उसके बाद फिर बिठा दिया। अब एकदम से मिनको बहुत हॉरिफाइड हो गई और वो रुक गई। वाई? बिकॉज शी वॉज इन अ रूम दैट शी न्यू एंड डिड नॉट नो। वो उस रूम को कैसे जानती थी? क्योंकि उस रूम में उनकी सारी ओल्ड पोजिशंस थी जो कि बचपन में उनकी फैमिली की थी, एंड शी डिड नॉट नो दैट रूम। वाई? बिकॉज वो एड्रेस डिफरेंट था, वो उनका अपना घर नहीं था, दूसरा वो चीज़ें एक टोटली डिफरेंट सेटिंग में अरेंज थी। मिनको को तो आदत थी अपने ही घर में वो सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज्ड देखने की, लेकिन अब जब उसने देखा कि किस तरह से उनकी सारी चीज़ें एक दूसरे घर में हैं तो उन्हें लगा कि वो इस रूम को जानती भी हैं और नहीं भी जानती, एंड इसीलिए वो घबरा गईं। शी वॉज हॉरिफाइड।
अब मिनको ऐसी चीज़ों के बीच थी जो कि उन्हें ऑप्रेस कर रही थी, यानी टॉर्चर कर रही थी। वो उनके बीच नहीं रहना चाहती थी, उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती थी। सब कुछ बहुत ही टेस्टलेस मैनर में अरेंज्ड था। टेस्टलेस यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग की फैमिली थी, उन्हें कोई तरीका नहीं था, कोई सलीका नहीं था कि डेकोरेटिव पीसेस को कैसे जचाते हैं। तो बहुत ही टेस्टलेस तरीके से उन्होंने यूं ही बस जचाया हुआ था। बहुत ही अगली फर्नीचर था और बहुत ही मगी, दैट इज़ मस्टी स्मेल थी। लाइक जैसे सीलन की स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल उस कमरे में थी। अब शी डिड नॉट डेयर टू लुक अराउंड हर, मतलब वो इतना हॉरिफाइड थी, वो इतना ऑप्रेस्ड फील कर रही थी कि अब वो इधर उधर झांक के नहीं देख रही थी बिल्कुल भी कि और क्या क्या चीज़ें उनकी वहाँ पर हैं। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने उन्हें ले जाके टेबल के पास चेयर पर बिठा दिया, तो मिनको ने अपना जो वुलन टेबल क्लॉथ था वो भी पहचान लिया। इतने साल हो गए थे लेकिन वो फिर भी अपनी पोजिशंस को पहचान पा रही थी क्योंकि उनसे इनकी इतनी यादें जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने उसे रब किया अपने फिंगर्स में, एंड वो वुलन क्लॉथ इतने अच्छी क्वालिटी का था कि रब करते ही उनकी उंगलियां गर्म हो गईं। तो उन्होंने पैटर्न्स को फॉलो किया और फिर उनको याद आया कि कहीं एज पे, दैट इज़ कहीं किनारे पे एक बर्न मार्क होना चाहिए, यानी कि जले हुए का निशान होना चाहिए जिसे कभी रिपेयर नहीं किया गया था। दिस मीन्स कि वो इतनी फाइनली अपनी सारी पोजीशंस की डिटेल्स को पहचानती थी और उन्होंने ये सारी डिटेल्स याद रखी थी। अदरवाइज़ किसे याद आता है कि इतना पुराना टेबल क्लॉथ और उसके किनारे पे एक बर्न मार्क भी था। बट नहीं, मिनको को वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स अब याद आ रही थी। अब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने आउट ऑफ पोलाइटनेस उनसे चाय के लिए पूछा, तो जब उन्होंने थैंक यू कहा, दैट इज़ एक तरह से एफर्मेटिव सेंस में हाँ कहा, तो जो लड़की थी वो टी टेबल पर सारे कप्स रेडी करने लगी। तो मिनको ने ये भी नोटिस किया कि मिसेस डॉर्लिंग की तरह उसकी भी एक चौड़ी कमर है, और उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो एक वाइट पॉट, टी पॉट यूज़ कर रही थी जिसकी लिड पर, दैट इज़ जिसके ढक्कन पर एक गोल्ड बॉर्डर था। अब मिनको को ये भी याद आ गया कि ये भी उनका टी पॉट है। उस लड़की ने एक डब्बा खोला और उसमें से कुछ चम्मचें निकाली। अब मिनको ने उसके ऊपर कमेंट किया कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये तो बड़ा सुंदर बॉक्स है। लेकिन वो हैरान हो गई जब उन्होंने देखा कि उनकी आवाज़ बदल गई है। लाइक वो अपनी खुद की आवाज़ को नहीं पहचानी, बिकॉज इस टाइम पे वो इतना ओवरवेल्म्ड थी कि उनकी पिच, उनकी टोन बदल गई थी। नाउ द गर्ल टर्न्ड अराउंड एंड आस्क्ड कि ओह, तुम इनके बारे में जानती हो? अब वो हंसते हुए बोलती है कि भाई मेरी माँ तो मुझे ये बताती है कि ये एंटीक है, ये जो टी पॉट है ये एंटीक है। अब हमारे पास ऐसी और हैं, तुम चाहो तो नज़र फिरा के देख लो। वो एक तरह से वो लड़की बोस्ट कर रही थी कि हमारे पास इतना एंटीक सामान है। अब मिनको को ज़रूरत नहीं थी कि वो नज़र घुमाकर देखे क्योंकि वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी पहचानती थी। टी टेबल के ऊपर बैठे स्टिल लाइफ, दैट इज़ कप्स और स्पून्स और टी पॉट्स को वो देखने लगी। एज अ चाइल्ड, यानी कि जब वो छोटी थी, तो शी हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। प्यूटर की प्लेट पर जो एप्पल बना हुआ था उनको वो काफ़ी पसंद था, काफ़ी क्यूरियोसिटी से वो उसे देख रही थी। अब वो लड़की बताती है कि हम तो इन प्लेट्स को हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट जो वॉल पर टंगी हुई प्लेट्स हैं, हमने एक बार तो उनसे भी खाना खा लिया था। नाउ अब देखो, एंटीक प्लेट्स से इन लोगों ने खाना भी खा लिया। लाइक इट जस्ट टेल्स एवरीथिंग अबाउट देम। वो बताती है कि हमने इन पर से खाना भी खा लिया, मैं क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मैं खाना चाहती थी, पर लेकिन कुछ खास नहीं था, इट वॉजेंट एनी थिंग स्पेशल। उसे लग रहा था कि एंटीक प्लेट से खाना खाएगी तो शायद स्पेशल स्वाद आए, पर आखिर ऐसा क्या हो सकता है, मुझे तो ये सारी बेवकूफ़ी लग रही है। खैर, मिनको को अपने टेबल क्लॉथ पर वो बर्न मार्क भी अब मिल गया। अब उस लड़की ने उनकी तरफ क्वेश्चनिंगली, यानी कि एक तरह से पूछते हुए देखा, तो अब मिनको ने जवाब दिया कि हाँ, यू गेट सो यूज्ड, यानी कि तुम्हें इतनी आदत पड़ जाती है इतनी सारी लवली थिंग्स, इतनी प्यारी प्यारी थिंग्स को अपने टच करने की अपने घर में, कि अब तुम उनकी तरफ देखती भी नहीं होगी। तुम तभी उस चीज़ की गैर हाजिरी नोटिस करते हो जब तुमने उसे किसी को दिया हो या वो रिपेयरिंग के लिए गई हो। मिनको की साउंड अभी भी अननेचुरल ही थी बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल परहैप्स। तो वो अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हैं जब उनकी माँ ने उनसे मदद मांगी थी सिल्वर के बर्तनों को पॉलिश करने के लिए। उस दिन शायद मिनको बहुत ही बोर्ड थी या फिर उस दिन वो बीमार थी, इसीलिए घर पर रुकी हुई थी। पर लेकिन वो बताती हैं कि मिनको को नहीं पता था कि सिल्वर कौन से। तब उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि स्पून्स, फोर्क्स और नाइव्स सिल्वर के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनको की फैमिली कितनी रिच थी कि वो लोग सिल्वर के बर्तनों में खाना खाते थे। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग,
यानी कि ये अजीब बात थी, बिकॉज मिनको को ये नहीं पता था कि जिन बर्तनों से वो रोज़ खाना खाते थे वो चांदी की थी। अब वो लड़की हंसने लग गई। नाउ मिनको लुक्ड इंटेंटली एट हर, यानी ध्यान से उसकी तरफ देखती हैं, एक तरह से उसको चैलेंज करते हुए बोलती हैं, आई बेट यू डिड नॉट नो इट इज़ आइदर, यानी कि शायद तुम्हें भी नहीं पता कि ये सिल्वर के बर्तन हैं। अब वो हेजिटेट कर गई। वेल डू यू नो, जब उसने ये पूछा कि भाई क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बर्तन सिल्वर के हैं, तो लड़की हिचकिचा गई। वो साइडबोर्ड की तरफ गई और उसके बाद एक ड्रॉर खोलने लगी, कहती कि मैं देखती हूँ शायद यहीं पर है। लेकिन मिनको कूद पड़ी और कहती हैं कि नहीं, शायद मैं टाइम भूल रही हूँ, मेरे को अपनी ट्रेन पकड़नी है। अब लड़की उन्हें कहती है, भाई क्या तुम मेरी माँ के लिए इंतज़ार नहीं करोगे? लेकिन मिनको अब वहाँ पर रुकने की हालत में नहीं थी। शी वॉज फीलिंग टू ओवरवेल्म्ड, शी वॉज फीलिंग टू परप्लेक्स्ड। तो वो जाने लगी और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते ढूंढकर वहाँ से पैसेज से गुजर गई और तब उन्होंने स्पून्स और फोर्क्स की जिंगलिंग आवाज़ सुनी। बाहर आकर मिनको ने नेम प्लेट देखी जिसके ऊपर नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था। उन्हें एड्रेस तो याद रहा था, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी दोबारा यहाँ नहीं आएंगी। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया बिकॉज वो अब उसे और याद नहीं रखना चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ें उनकी पुरानी ज़िंदगी की लाइफ के साथ जुड़ी हुई हों, अब उनके साथ उनका कनेक्शन सीवियर हो गया है, यानी कि टूट चुका है। अब वो इन चीज़ों के साथ कोई नाता नहीं रखना चाहती बिकॉज अब वो एक स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में वो चीज़ें रखी हुई हैं, तो अब उन चीज़ों की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती। एंड वो क्वेश्चन भी अपने आप से पूछती हैं कि भाई मैं उन चीज़ों के साथ क्या करती जब मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है जहाँ पर मेरे पास स्पेस ही नहीं है रखने को, और ब्लैकआउट पेपर जहाँ पे स्टिल विंडोज से हंग अप है, यानी लटका हुआ है, और मेरे पास तो केवल थोड़ी सी कटलरी है जो कि एक पतली सी टेबल ड्रॉर में फिटेड है, तो मैं इतनी सारी चीज़ें रखूँगी कहाँ। इस तरह से मिनको ने अपने दिल को समझाया और उसके बाद रिजॉल्व किया, यानी अपने आप से वादा किया कि वो ये एड्रेस भूल जाएंगी। Of all the things I had to forget, that would be the easiest. यानी कि मुझे जितनी चीज़ें भुलानी थी, ये एड्रेस उनमें से सबसे आसान होगा। उन्हें बहुत सी बुरी यादें भुलानी थी, उनके कहने का मतलब ये है, because the war was such a precarious time, इतना मुश्किल का समय रहा था उनके लिए। तो दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है एक काफ़ी पॉजिटिव एंडिंग के साथ एक तरह से, because now Minko has decided to move on with her life. पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि 11th के सिलेबस में, इंग्लिश सिलेबस में बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर्स हैं, बहुत मतलब सेंसिटिव चैप्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एज़ फॉर मी आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन और मेरे तो दिल को छू जाते हैं ये चैप्टर्स। बाकी मुझे आपका जानना है कि आपको क्या लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया या नहीं, और अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। Also, please give me feedback in the comment section and don't forget to like this video. Give it a big thumbs up. I would meet you in the next video. Dekhti hoon ab kab bana pati hoon. Till then, bye bye guys.